फर्स्ट आर्टिकल सुगर केन के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सुगर केन का हम ए टू जेड देखेंगे। देखो फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल आया है कि सुगर केन के प्रोडक्शन में कैसे तब्दीली हो रही है और प्राइजेज में इथेनॉल की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा देखा जाएगा सुगर केन के लिए कैसी जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए, इंडिया में क्यों सुगर केन का प्रोडक्शन डिक्लाइन होता जा रहा है वेदर कंडीशन की वजह से, ये सब देखेंगे। इंसा कॉक के बारे में देखेंगे, ये एक कंसोर्टियम है कोविड टू को और SRB कोविड टू को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका जीनोमिक सीक्वेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे द्वारा देखा जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी रेंजेस हैं। देखो पहले फ्रंट पेज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहला आर्टिकल क्या है, देखो पुंछ रीजन में क्या हुआ, एनकाउंटर हुआ, मतलब वहाँ पर बहुत सारे जवान शहीद हो गए जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत क्राइसिस उमर्ज हुआ। उसके बाद आर्मी ने क्या किया, कुछ लोगों को डिटेंड किया और डिटेन करने के बाद क्या न्यूज़ निकल कर आई, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेज के उन लोगों को टॉर्चर किया गया और उस टॉर्चर के दौरान उन दो तीन लोगों की डेथ हो गई। तो ये सिचुएशन जो इमर्ज होकर आई तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कैसे J&K में जो है सिविलियंस की डेथ हो गई और आर्मी पर्सन की तो डेथ आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है ड्यू टू टेररिज्म एंड अदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी रेंजेज है। देखो पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लो, J&K में बहुत सारी रेंजेज होकर जाती हैं। कुछ रेंजेज J&K से होती हुई हमारे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से होती हुई नेपाल से होती हुई अरुणाचल तक जाती हैं। तो देखो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो पिरपंजल रेंज कैसे, क्योंकि देखो अभी एक रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, अटल टनल जिसे रोहतांग टनल कहते थे पहले उसको रीनेम कर दिया गया, वो कौन सी रेंज में पड़ती है और किस साइड में पड़ती है, ये UPPCS का क्वेश्चन है। तो ईस्टर्न पिरपंजल रेंज में अटल टनल पड़ती, ईस्टर्न पिरपंजल रेंज, पिरपंजल रेंज में अटल टनल पड़ती है और इसके ईस्टर्न साइड में पड़ती है। तो हम अगर नॉर्थ से साउथ लगा दें तो आपको पता चलेगा KLZ GPDS, PDS कौन सा हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, KLZ GPDS। KLZ क्या हो गया, काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, जस्कर रेंज हो गया, ग्रेट हिमालयन रेंज हो गया, पिरपंजल रेंज हो गया, धौलाधर रेंज हो गया और शिवालिक रेंज हो गया। आप इस मैप में आप चाहे देख लीजिए, अगर आप ऐसे देखेंगे इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये देखो आपका काराकोरम रेंज हो गया, ठीक है, ये लद्दाख रेंज हो गया, ये जंस्कर रेंज हो गया, ये पिरपंजल हो गया, ये धौलाधर हो गया, ये शिवालिक हो गया, ये ग्रेट हिमालय हो गया। तो KLZ GPDS, PDS क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उससे ही मैंने ये याद किया था और ये हो गया आपका हिंदूकुश हिमालय, ये हिंदूकुश वाली रेंज। तो इस तरह से जब हम किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो उस तरह से इसको डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है रेड सी के बारे में। रेड सी के बारे में क्या न्यूज़ है, देखो रिसेंटली एक न्यूज़ निकल कर आई है कि जब गाजा में क्राइसिस इमर्ज हुआ उसके बाद अरब इसराइल में कन्फ्लिक्ट तो बढ़े ही हैं, ऑब्वियस सी बात है, मगर गाजा में क्राइसिस होने के बाद क्या हुआ, यमन वाले रीजन में, आप ये रीजन देखो, ये यमन वाला रीजन है, इसमें जो है यमन में जो है हौथी रहते हैं, हौथी, ठीक है, ये हौथी जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ईरान के द्वारा बैक किया जाता है, ने? मतलब ईरान के द्वारा रिसोर्सेज दिए जाते हैं। यमन में देखो शिया और सुन्नी पॉपुलेशन है, शिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट इस्लाम के दो सेक्ट हैं इंपॉर्टेंट, और इसमें शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यमन में और सुन्नी पॉपुलेशन बहुत कम है, मगर सुन्नियों के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर सत्ता को एक्वायर किया गया, मतलब वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सिचुएशन है, जो गवर्नमेंट है, वो किसके हाथ में है, सुन्नियों के हाथ में। तो इसलिए शिया जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अक्सर सुन्नी और शिया के बीच में कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि अभी हौती ने कहा था कि आप जो वहाँ पर पैलेस्टाइन में जो आप कर रहे हैं उसका जो खामियाजा आपको यमन के रीजन में भुगतना पड़ेगा। तो रिसेंटली एक टैंकर पर, इंडियन क्रू के एक टैंकर पर ड्रोन से हिट किया गया रेड सी के रीजन में, क्योंकि ये ड्रोन वगैरह जो है सब ईरान के द्वारा प्रोवाइड किया जाता, तो रेड सी रीजन में ये ड्रोन से हिट किया गया, इंडियन टैंकर नहीं था मगर क्रू जो था उसमें इंडियन था। तो इसमें देखो रेड सी का बॉर्डर किस किस से मिलता, आप ये चीज़ जान लो अच्छे से, रेड सी जो है
वो बाब अल मंदाब से होते हुए स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदाब यहाँ पड़ती है, गल्फ ऑफ एडन में मिलता है, ठीक है, जबकि पर्सियन गल्फ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से होते हुए गल्फ ऑफ ओमान में मिलता है। ये दो जो ये रीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा बॉर्डर किस कंट्री से है, ये पूरा रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सकोत्रा आइलैंड के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जब यमन में क्राइसिस चल रहा था तो पूछा था सकोत्रा आइलैंड किसका है, ये ओमान का है या सोमालिया का है, ये यमन का है या अरेबिया का। तो ये एक सकोत्रा आइलैंड यमन का आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ पर, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ एडन के बाद। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई कि किस तरह से यमन में क्राइसिस प्रोड्यूस हुआ है। डोर और ड्रोन और टेक्निकल जो फील्ड की नॉलेज है वो ईरान के द्वारा यमन के हौथी विद्रोही को दी जाती है। आप एक चीज़ याद रखना, यमन में जो है हौथी पाए जाते हैं, इसी तरह गाज़ा में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह लेबनान में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फेमस रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो रिलेटेड है वो शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। देखो क्या हुआ है, रिसेंटली शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और शुगर की डिमांड बढ़ने से क्या हुआ, इसका इथेनॉल में जो प्रोडक्शन था वो गवर्नमेंट ने रोक दिया। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि इथेनॉल के प्रोडक्शन में जो शुगर के जो शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर का प्रोडक्शन है वो डाइवर्ट हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो रहा था, कंज्यूमर को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था और एक्सपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा कमी आ ही गई थी। तो इसको लेते हुए शुगर केन जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में। देखो हम शुगर केन से रिलेटेड बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका बेस एकदम मजबूत हो जाए। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुगर केन पर भी MSP की तरह FRP दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या होता है, ये एक फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है, इसे FRP कहते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। देखो क्या होता है, MSP या FRP का क्या मतलब होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम किसी भी क्रॉप पर, 23 क्रॉप्स हैं करीब, उस पर MSP देंगे। अब MSP देने का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि गवर्नमेंट 23 की 23 क्रॉप खरीद लेगी, ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करती। ये इसके लिए ये मेन रीज़न है कि गवर्नमेंट एक प्राइस तय कर देती है, जो मार्केट में प्राइवेट इंडिविजुअल अगर खरीदेंगे इसे तो वो इसी दाम पर खरीदें, अगर इसके नीचे दाम पर खरीदते हैं तो कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के पास जाकर इसको बेच सकता है। ये इसका मेन प्रोसेस है, कोई केस वगैरह नहीं हो सकता। अगर प्राइवेट पर्सन, मान लो MSP गेहूं का 1800 रुपये क्विंटल डिसाइड हुआ, अब गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो इसे खरीद नहीं पाएंगे, हमारे पास गोदाम ऑलरेडी होते, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल कह रहा है हम इसे 1800 में नहीं खरीदेंगे, 1600 रुपये पर क्विंटल खरीदेंगे, तो आप इस पर केस नहीं कर सकते प्राइवेट इंडिविजुअल पर। बस आप गवर्नमेंट से जाकर कह सकते हैं कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम इसे जो है लो मतलब MSP पर खरीदेंगे, तो आप हमारा दाम खरीद, वो हमारी प्रोडक्शन खरीदिए। तो इस तरह से MSP वर्क करता है, ये मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, ठीक है। मगर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में क्या करती है, FRP डिसाइड करती है। कैसे किया जाता है आपको ये बता देता हूँ। देखो एक कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1965 में, ये आप याद रखना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस 1965 में स्टेबलाइज हुआ। ये एक्सपर्ट बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस क्या करता है, बहुत सारे प्रोसीजर को देखते हुए, बहुत सारी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए क्या करता है, रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को FRP। FRP कैसे रिकमेंड किया जाता है, जैसे मार्केट में कितनी डिमांड है शुगर की, एक्सपोर्ट हम कितना कर रहे हैं, हम वो कितने नंबर पर हैं वर्ल्ड में, इस तरह की जो रिकमेंडेशन देखने के बाद क्या करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को किसको करता है, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। अब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हेड की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ही है जो लास्ट में मोहर लगा देती है कि ये FRP तय हुआ है। अब FRP जो है किसके द्वारा तय किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। कहाँ से इमर्ज हुआ कॉन्सेप्ट, देखो रंगा राजन एक कमेटी बनी थी शुगर केन की इंडस्ट्री को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि शुगर केन की इंडस्ट्री में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, FRP सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, उससे नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, मगर प्राइवेट इंडिविजुअल को आप
ऑफ इन्फोर्स नहीं कर सकते, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते, मगर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट एडवाइज प्राइजेस करती है, एसएपी कहते हैं। अब आप ये अच्छी तरह जान लो कि एसएपी हमेशा एफआरपी से ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने बंदों को इंसेंटिव देना चाहती है। ये इंसेंटिव इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिले। तो इसके लिए स्टेट एडवाइज्ड प्राइजेस डिसाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये जनरली क्या होता है, हाई होता है, जनरली बोला है, यहाँ हमेशा नहीं बोला, ऑलवेज नहीं बोला। ये यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है, यूपीएससी के फेवरेट हैं, जो ये वर्ड जनरली यूज हो गया यहीं लिख देगा ऑलवेज, और आप कहोगे कि ये हमारा आंसर सही है, ऑलवेज नहीं, गलत हो जाएगा वहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब वही बात इन्होंने बताई है कि प्राइजेज जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। क्रॉप का इनपुट देखा जाता है, इनपुट कॉस्ट देखी जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखा जाता है, ठीक है। अब स्टेटस क्या है शुगर केन इंडस्ट्री का हमारे इंडिया में, देखो शुगर केन इंडस्ट्री एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। एग्रो बेस्ड का क्या मतलब हो गया, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल हम प्राप्त करते हैं और इंडस्ट्री में वेरियस फॉर्म में, शुगर के प्रोडक्शन में, इथेनॉल के प्रोडक्शन में, मोलसेस के प्रोडक्शन में, बहुत सारी क्लॉथ के प्रोडक्शन में शुगर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, शुगर एग्रो बेस्ड शुगर केन इंडस्ट्री में क्या है, 50 मिलियन शुगर केन फार्मर हैं। देख रहे हो, 50 मिलियन, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 50 मिलियन शुगर केन फार्मर्स हैं और 5 लाख वर्कर्स इन्वॉल्व हैं। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। क्या आगे बताया गया है, सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है कॉटन के बाद, मतलब सबसे बड़ी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो हमारी कॉटन है, और कॉटन के बाद जो सेकेंड नंबर पर आती है वो हमारी शुगर केन इंडस्ट्री है। आपको ये अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बहुत अक्सर पूछती है कि देखो शुगर के प्रोडक्शन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए कैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन चाहिए होती है। देखो टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए होती है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी चाहिए और ना ज़्यादा कोल्ड चाहिए, मतलब ठंड चाहिए। तो एक मीडियम टेम्परेचर जो है 21 टेम्परेचर जो है इस टाइम महाराष्ट्र में होता है, मतलब विदर्भा रीजन में इस टाइम 21 डिग्री टेम्परेचर होता है सुबह के टाइम। तो ये जो 21 से 27 है, तो ये 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। रेनफॉल इसके लिए, ये जो शुगर केन इंडस्ट्री है या शुगर केन फार्मिंग है, इसे वाटर गजलिंग क्रॉप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसे वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। आप देखोगे 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वाटर हो चाहिए होता है मैक्सिमम। ये जो शुगर केन है नॉर्थ इंडिया में होता है, महाराष्ट्र में जहाँ पर रिवर्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें वाटर की ज़रूरत बहुत होती है, ठीक है। सॉइल टाइप क्या चाहिए, डीप रिच लूमी सॉइल चाहिए। लूमी सॉइल क्या होती है, इसमें देखो लूमी सॉइल की एक खासियत होती है, इसमें सैंड, सिल्ट और जो तुम्हारा ये होता है क्या बोलते हैं सॉइल की दूसरी एक फॉर्म होती है, मुझे नाम याद नहीं होना, ये तीनों जो है वो एक मात्रा में होते हैं, सैंड, सिल्ट और एक चीज़ और होती है, ये तीनों जो होते हैं बहुत ही प्रॉपर कंडीशन में होते हैं, जो वाटर को एक जगह मेंटेन करके रखते हैं। अब टॉप प्रोड्यूसर देख लो, शुगर के जो टॉप प्रोड्यूसर हैं उसमें महाराष्ट्र नंबर वन पर है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर यूपी में होती है। देखो सबसे ज़्यादा जो शुगर इंडस्ट्री है वो यूपी में थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल देखने को मिलती थी, मगर क्या हुआ है, जो शुगर का प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गया। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे मिल ओनर्स का टाइम पर पेमेंट नहीं देना। देखो मैं अपने फादर के टाइम की बात बता रहा हूँ, हमारे फादर लोग कभी भी शुगर का प्रोडक्शन करते थे तो उन्हें कैसे, जब मिल पर वो पैसा लेने जाते थे तो कभी 2000 रुपये दे दिए जाते थे, कभी 1700 रुपये दे दिए जाते थे, मगर पूरा पेमेंट एक बार में नहीं होता था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम इमर्ज होकर आ रही है, कि आपके बहुत सारे जो आपके पैसा है वो टाइम पर नहीं दिया जाता है। तो टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री हमने देखी कहाँ पर है, टॉप शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ पर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। स्टेटस क्या है शुगर का, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और यूजर्स हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा
प्रोडक्शन करते हैं और यूज़ करते हैं, मगर एक्सपोर्ट हम सेकंड लार्जेस्ट करते हैं। देखो एक चीज़ यहाँ नहीं बताई गई है, हम इंडिया जो है, आप अगर आगे देखोगे, यहाँ पर आगे देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहाँ पर एक वर्ड ये गलत लिखा हुआ है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा शुगर का प्रोडक्शन होता है। आप ये याद रखना, ब्राज़ील में लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इसके लिए जो ट्रॉपिकल जो कंडीशन चाहिए होती है वो ट्रॉपिकल और पेरिनियल ग्रासेस, मतलब जो ये शुगर केन है ये एक ट्रॉपिकल और पेरिनियल ग्रास है, ग्रास है, ट्री नहीं है, ये ग्रास है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसकी लेंथ जो होती है 10-20 फीट होती है। मॉडर्न शुगर जो है जो इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में, ये डच के द्वारा की गई थी। फर्स्ट शुगर मिल जो स्टेबलाइज की गई वो बिहार में की गई 1903 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1903 में फर्स्ट शुगर मिल स्टेबलाइज की गई बिहार में। फिर उसके बाद जो है अनदर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में भी स्टार्ट हुई। तो इस तरह से मैंने शुगर केन के बारे में आपको बताया। आप यही चीज़ और याद रखना, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल जो आई थी वो 2018 में आई थी। इसका मेन पर्पज़ था कि शुगर केन को कैसे हम इथेनॉल की प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस जो बायो पॉलिसी है, ये आप जो है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 डेट इसलिए याद रखना ज़रूरी है, कभी कभी यूपीएससी पॉलिसीज़ की वो क्रोनोलॉजी लगवा देता है कि बताइए कौन सी पॉलिसी कब आई थी। तो इस तरह से याद है, मैंने शुगर केन के बारे में आपको ए टू जेड बता दिया। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाह रहे हो तो टेलीग्राम चैनल पर बताइए, हम कैसे अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं। और लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर देंगे तो इससे हमारे चैनल पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो इंसाकॉक से रिलेटेड है। देखो इंसाकॉक क्या है, पहले आप जान लो फुल फॉर्म, इंडियन सार कोवी टू कंजोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। मतलब इंसाकॉक क्या है, एक कंजोर्टियम है। इस कंजोर्टियम में 28 जो लेबोरेटरीज हैं वो आती हैं और जो मॉनिटर करते हैं जीनोम के वेरिएशन में। क्या होता है, आप कभी भी देखेंगे कोविड-19 की वैक्सीन में एक खासियत होती है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका जीनोमिक्स जो है वो चेंज होता रहता है। जीनोमिक्स क्या होता है, जीनोमिक्स एक सीक्वेंस होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि वायरस का नेचर किस तरह से हो सकता है और कैसे ये इम्पैक्ट पहुंचा सकता है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंसाकॉक क्या है, एक कंसोर्टियम है 28 नेशनल लेबोरेटरी का, और ये क्या करता है, जो जीनोमिक वेरिएशन होता है उस पर स्टडी करता है। ये स्टेबलाइज किया गया जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये आपको दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया और इस कंसोर्टियम में कितनी लेबोरेटरी आती हैं और किस पर ये स्टडी करते हैं। इनके द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग के जो वेरिएशन होते हैं वायरस में उस पर स्टडी की जाती है और कैसे वो इवॉल्व हो सकते हैं ये चीज़ जानते हैं। इंसाकॉक क्या है, सीक्वेंसिंग देखता है क्लिनिकल सैंपल में, मतलब कैसे डिजीज़ के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। कोई भी देखो सीक्वेंस होता है, क्या होता है, हमारे जीनोम में जीन होते हैं, जीन को क्या होता है, उसमें एक सीक्वेंस होता है डीएनए का, आरएनए का। अब जब उसमें जो चेंजेस आते हैं उससे बीमारी का पता लगाते हैं। और आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसके थ्रू सीजर के थ्रू इसको काट देते हैं और हम इसको जेनेटिक बीमारी को ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग वर्क करती है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मॉडर्न साइंस में और मॉडर्न डॉक्टरेट सिस्टम में बहुत बड़ा यूज़ है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आपको स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, तो हमें @WASIH34 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।